हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम फिफ्थ दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहां पर फर्स्ट न्यूज ऑफ फ्लैगिंग एन इक्वल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स अ पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन एडमिशन रिलेटेड इशूज़ तो यहाँ पर एक पैनल बनाया गया था जो कि बेसिकली इस बात पर बताने वाला था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस बेसिस पर होना चाहिए तो अभी तो यहाँ पर ट्वेल्थ के एग्जाम के बेसिस पर कट ऑफ निकलती है और उसके बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन होता है लेकिन उसके बेसिस पे जो एडमिशन होता है उसमें इक्वालिटी देखी गई है फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर केरला बोर्ड में देखा जाए तो थर्टी एक्सेप्टेंस रेट है राजस्थान बोर्ड में देखा जाए तो सिर्फ ट्वेंटी एक्सेप्टेंस रेट है और यहाँ पर सी में देखा जाए तो सिक्सटीन एक्सेप्टेंस रेट है ये इसी वजह से होता है क्योंकि कुछ बोर्ड्स में यहाँ पर लीनेंट मार्किंग होती है कुछ बोर्ड्स में यहाँ पर टाइट मार्किंग होती है तो तो यहाँ पर पैनल का ये कहना है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए ना कि यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम्स के बेसिस पर आप कट ऑफ निकाल कर यहाँ पर एडमिशन लो तो फॉर केरला बोर्ड द मेन एडमिशन परसेंटेज बाई फार दाइस्ट एट नाइन्टी एट पॉइंट फोर थ्री परसेंटेज राजस्थान में देखें तो मेन परसेंटेज जो है वो नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स एट परसेंट तो हमें ये देख रहे हैं यहाँ पर जो केरला में परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा नाइन्टी एट पॉइंट फोर थ्री परसेंट दूसरी बात ये किया जा सकता है कि मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है कि यहाँ पर जो टॉपर के मार्क्स है इक्वल टू हंड्रेड परसेंट मान के उसके बाद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर केरला में अगर टॉपर के हंड्रेड परसेंट है और यहाँ पर जो सी बस ई है उसमें टॉपर के नाइनटी टू परसेंट तो इधर नाइन्टी टू को हंड्रेड माना जा सकता है और उधर हंड्रेड को हंड्रेड मान कर, यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड न्यूज है गवर्नमेंट हेडेड टुवर्ड्स एस के एम फॉर्म्स पैनल तो यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पैनल बनाया है जो कि इनकी बाकी डिमांड्स है उसके बारे में बात करेंगे तो फाइव मेंबर कमेटी विल डिस्कस द पेंडिंग डिमांड्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलोइंग द रिपील ऑफ द थ्री फॉर्म लॉज अब यहां पर इनकी डिमांड्स कौन कौन सी तो एम वाली डिमांड तो आपको पता है कि एमएसपी को यहाँ पर लीगल एंटाइटलमेंट बनाने की जरूरत है दूसरी एक इनकी डिमांड यह है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विड्रॉल होना चाहिए तीसरी डिमांड इनकी ये है डिलीशन ऑफ द सेक्शन रिलेटेड टू द सेटिंग अप ऑफ ए कमीशन फॉर डेली टी रेगुलेशन इसके अलावा प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के अगेंस्ट जो भी यहाँ पर केसेस थे उनको विड्रॉ किया जाना चाहिए जिन भी फार्मर्स की डेथ हुई है ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट तो उन फार्मर्स को यहाँ पर कॉम्पनसेशन और रिहेबिलिटेशन उनके किन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए और यहाँ पर जिन भी फार्मर्स की डेथ हुई है तो उनके लिए एक मेमोरियल बनाया जाना चाहिए और यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अजय मिश्रा टेनी उनको यहाँ पर हटा देना चाहिए तो ये कुछ डिमांड है यहाँ पर फार्मर्स की बाकी फर्स्ट पेज पर यहाँ पर अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के बारे में ये हम नहीं पढ़ेंगे बहुत पुराना केस है बाकी यहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस और ज़्यादा मिले वो भी हम नहीं पढ़ेंगे पॉक्सो का एक केस है बिहार में जो कि एक दिन में यहाँ पर उसमें डिक्लेरेशन कर दिया गया जो भी रिजल्ट था तो ये शॉर्टेस्ट ट्रायल हुआ है तो नो वन हैज विजिटेड दिलीप कुमार यादव तो ये हम केस नहीं पढ़ेंगे इससे पहले जो सबसे यहाँ पर शॉर्टेस्ट ट्रायल था तो वो मध्य प्रदेश में था तीन दिनों में हुआ था और ये उससे भी ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रायल है एक दिन में हो गया तो रिकॉर्ड बाय वॉट इन थ्री डेज सेटअप बाय कोर्ट इन मध्य प्रदेश अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में पॉक्सो केसेस में कन्वेक्शन रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया तो बिहार में 2017 में जो कन्वेक्शन रेट है 49.3 परसेंट है अगर ऑल इंडिया देखें तो 33.2 परसेंट है 2019 में भी देखें तो 67.7 परसेंट बिहार में कन्वेक्शन रेट है तो इससे ये पता चल रहा है कि पॉक्सो केसेज में जो कन्वेक्शन रेट है वो बिहार में ज़्यादा है अगर हम ऑल इंडिया एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करें इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब यहाँ पर सी ने ये बोला है कोर्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो डिस्प्यूट के लिए पहले आर्बिट्रेशन मेड मीडिएशन और कंसीेशन होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में जाना चाहिए तो कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए अगर कोर्ट लास्ट रिजॉर्ट होगा डिस्प्यूट रेजोलूशन का तो यहाँ पर जो पेंडेंसी ऑफ केसेज है वो भी कम होगा तो कोई केसेस अगर यहाँ पर मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो सकते हैं तो कोशिश कोश करनी चाहिए कि वो जो केस है वो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन से सॉल्व हो तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए आर्बिट्रेशन मीडिएशन और यहाँ पर कंसिलेशन की तरफ और यहाँ पर कोर्ट्स लास्ट रिजॉर्ट होने चाहिए एक बात ये भी बोली गई है कि कोई भी यहाँ पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में हमेशा जो पार्टीज़ होती हैं वो चूज़ करती हैं कि इंडिया के बाहर यहाँ पर सेंटर होना चाहिए आर्बिट्रेशन के लिए वो कभी इंडिया को सेंटर नहीं चूज़ करती लेकिन सी ने यह बोला है कि जब एक बार हैदराबाद सेंटर जो है वो यहाँ पर जो कंपनीज़ होती हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टॉल करेगा कि इंडिया में भी आपको जस्टिस मिल सकती है तो यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वो इंडिया में भी हो सकता है पॉइंटिंग आउट द डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर्स इन इंडिया तो इंडिया में आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं उसके बाद भी कोई भी पार्टी यहाँ पर आर्बिट्रेशन में एंटर होती है तो वो हमेशा ऐसे सेंटर को ऑप्ट करती है जो कि इंडिया के बाहर हो तो सीजे एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस द हैदराबाद सेंटर विल चेंज दिस ट्रेंड इन इंडिया तो बेसिकली जो बाहर की कंपनीज होती हैं वो हमेशा कोशिश करती है कि बाहर ही कि किसी सेंटर में आर्बिट्रेशन हो ना कि इंडिया में तो उनमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इंडिया में भी उनको जस्टिस मिल सकती है और वो इंडिया के ही आर्बिट्रेशन सेंटर में यहाँ पर ऑप्ट करें आगे चलते हैं यहाँ पर एन एच new आई गेट्स न्यू चेयरमैन तो चेयरपर्सन का हम नाम देख लेते हैं अलका उपाध्याय तो सेंटर हैज़ अपॉइंटेड अलका उपाध्याय एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब यहाँ पर हम रशिया के साथ मिलकर बनाएंगे ए के टू जीरो थ्री एसॉल्ट राइल्स तो इंडो रशियन यूनिट वुड भी सेटअप एट कोरवा इन अमेटी जो मैनुफैक्चर ए के टू जीरो थ्री एसॉल्ट राइफल्स तो अभी जो यूज होती है rifles राइफल्स वो ये रिप्लेस कर देंगी यहाँ पर ए के टू जीरो थ्री राइफल्स अब यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सेलिब्रेशन चल रहा था तो यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं जो फ्रीबीज़ बीज यहाँ पर दी जाती हैं वो कितनी सही हैं और फ्रीबीज़ को देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो वेलफेयर और डेवलपमेंट इनिशिएटिव में किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वेलफेयर की साइड या तो फिर डेवलपमेंट इनिशिएटिव की साइड तो पॉइंटिंग आउट दैट रिसोर्स बेस्ड इन द बेस्ट यूज़ तो रिसोर्स को कैसे यूज़ किया जाता है वही बात सेपरेट कर देती है डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वंस यहाँ पर डिबेट होने की ज़रूरत है कि फ्रीबीज कितना देना चाहिए तो फ्रीबीज गिवन बाय वेरियस गवर्नमेंट्स एंड सेड देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स तो यहाँ पर वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए तो फ्रीबीज के ऊपर एक डिस्कशन की बात बोली गई है बाकी यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ लेना क्योंकि इसको सौ साल हो चुके हैं आगे हम चलते हैं साइक्लोन जावद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ओडिशा को हिट करने वाला है लेकिन हो सकता है ओडिशा को ना हिट करे साइक्लोन जावड अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मर्सीफुल आगे चलते हैं प्रेशियस रिसोर्स इन पेरल तो ज़्यादा एडिटोरियल्स आज इंपॉर्टेंट है नहीं पर यहाँ पर हम देख लेते हैं तो असर रिपोर्ट आई थी जो कि यहाँ पर प्रथम एन जी निकालता है तो उस डेटा से यहाँ पर ऑथेंटिक समरी बताइए तो पहला तो हमें यह शिफ्ट पता चलता है जो बच्चे हैं वो प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स होंगे उनकी यहाँ पर इनकम कम हो गई होगी लॉकडाउन में उनकी जॉब्स चली गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने यहाँ पर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया दूसरी बात ये कि यहाँ पर ट्यूशन में इंक्रीज़ देखा गया है स्मार्टफोन ओनरशिप तो बड़ी है लेकिन एक्सेस बच्चों को इसकी मिल रही है तो उसमें वो अभी

डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाए रेट्स हो हैं रेट्स फॉल हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है इस स्टंटिंग वेस्टिंग अनेमिया अभी भी बहुत बड़े ग्रेव चैलेंजेस हैं जो ओवरऑल सेक्स रेशियो देखा जाए फीमेल टू मेल्स तो इस बार वन थाउजेंड ट्वेंटी तो यहाँ पर मतलब ये जो फीमेल्स हैं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स ओवरऑल सेक्स रेशियो देखा जाए लेकिन ये सिर्फ पिछले दो साल का डेटा है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो ही यहाँ पर फीमेल की तरफ इंक्लाइंड हो गया नहीं तो ओवरऑल सेक्स रेशियो फीमेल टू मेल्स इज हेल्दी वन थाउजेंड ट्वेंटी इट हैज़ ड्रॉप्ड अलार्मिंगली अमंग जीरो टू फाइव ईयर्स लेकिन अगर जीरो टू फाइव ईर्यस में देखें तो अभी भी सेक्स रेशियो नाइन ट्वेंटी नाइन है तो इसका मतलब कम है अब यहाँ पर जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हुए हैं तो उसके यहाँ पर दो रीज़न दिए गए माइग्रेशन की वजह से और दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अब ये भी डाउट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की कैपेसिटी है क्या कि वो इतने सारे बच्चों को यहाँ पर अकोमोडेट कर सकती है तो एक प्रॉब्लम ये भी है बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर आप एक बार समरी देख लेना कि असर रिपोर्ट की क्या समरी है और इन की क्या सर समरी है बाकी हम आगे चलते हैं अब यहाँ पर ब्लू स्काई की बात की गई तो ब्लू स्काई क्या है एन एम्बिशियस ट्विटर फंडेड इनिशिएटिव टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया वेयर यूजर्स कैन अप्लाई देयर ओन एल्गोरिथम्स टू मॉडरेट एंड प्रमोट कंटेंट तो ये ट्विटर फंडेड इनिशिएटिव है डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया का ब्लू स्काई तो ये आपको पता होना चाहिए बाकी यहाँ पर ट्विटर में वही प्रॉब्लम है कि मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे यहाँ पर टैकल करना है पोलराइज पॉलिटिकल इवायरमेंट है तो ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करना जरूरी है हेट स्पीच को कैसे एड्रेस किया जाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स जो बेसिकली बहुत पहले से हैं अब यहाँ पर एक वॉल इरप्ट हुआ है तो माउंट सेमरूज इरप्शन इन ल्यूमाजंग डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट जावा प्रोविंस तो ये आपको पता होना चाहिए माउंट सेमेरूज की लोकेशन कहाँ पर है तो हाईएस्ट वॉल्ल इन इंडोनेशिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ जावा स्प्यूट थिक कॉलम्स ऑफ एश तो ये आपको समझ आ गया होगा अब यहाँ पर रशिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अब ये माना जा रहा है कि 2022 तक हो सकता है रशिया यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड कर दे अब रशिया की डिमांड क्या है तो रशिया की पहली डिमांड तो ये है कि यहाँ पर यूक्रेन को नेटो में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए तो यूक्रेन विल नॉट बी अलाउड टू तो ज्वाइन द नेटो अलायंस तो यहाँ पर रशिया ने लगभग एक लाख लग पचहत्तर हज़ार के जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय कर देगा अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक अभी यहाँ पर आधे यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया तो और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वुड सेट ऑफ अ मेजर सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर यूरोप क्योंकि यहाँ पर जो भी नेचुरल गैस है वो रशिया ही यहाँ पर यूरोप को एक्सपोर्ट करता है तो अगर यहाँ पर कोई भी वॉर होता है तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्राइसिस आ सकती है यूरोप में तो यू एस इज़ ऑल्सो डिक्लेर्यरड एन आयरन क्लेट कमिटमेंट टू यूक्रेन से इंडिपेंडेंस ऑफ यू एस का ये कहना है जो यूक्रेन है वो इंडिपेंडेंट है अब बाकी देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है रशिया इन्वेट करता है नहीं करता है अब फ्रांस यूरोपियंस वर्किंग टू ओपन ज्वाइंट कमिश मिशन इन अफगानिस्तान तो यहाँ पर जो यूरोपियन नेशनस है वो यहाँ पर जॉइंट मिशन खोलेंगे अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ने जब अपनी आर्मी को पुल आउट किया था उसके बाद यहाँ पर जो भी एम्बेसीज है कंट्रीज़ की बंद हो गई थी फिर यहाँ पर तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बना ली अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को किसी ने यहाँ पर रिकोगनाइज़ज़ नहीं किया है तो तालिबान ने जो भी गवर्नमेंट बनाई है वो इंक्लूसिव नहीं है इसके अलावा जो तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि वो विमेन और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को अपोल्ड करेंगे तो वैसा भी देखने को नहीं मिल रहा है अब इकोनी में दो न्यूज इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यहां पर डीआरआई की बात की गई तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किसके अंडर आता है तो सेंट्रल बोर्ड फॉर इन टैक्सेस एंड कस्टम्स अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस करता क्या है तो इट इज एन इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एंटी स्मगलिंग मैटर्स तो यहां पर डीआरआई जो कि यहां पर सीबीआईसी के अंदर आता है और एंटी स्मगलिंग मैटर्स को देखता है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंड टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर आता है और एंटी स्मगलिंग मैटर्स को देखता है अब यहां पर यह बात की गई जो स्मगलिंग के केसेज है उनको लॉजिकल कंक्लूजन के साथ साथ जरूरी है कि स्पीडियर कंक्लूजन भी होना चाहिए तो जल्दी से जल्दी उनका जो भी रिजल्ट आना चाहिए तो लॉजिकल कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट बट स्पीडियर कंक्लूजन इज वॉट विल कीप द हीट ऑन पीपल तो यहां पर अगर स्पीडियर कंक्लूजन होगा तभी यहाँ पर लोगों को डर होगा वरना अगर स्मगलर्स को पता होगा कि बीस तीस साल में यहाँ पर जजमेंट आता है तो स्मगलिंग जो स्मगलर्स होंगे उनको किसी बात का डर ही नहीं होगा तो इसीलिए यहां पर स्पीडियर कंक्लूजन की बहुत ज्यादा जरूरत है दूसरी बात यहाँ पर जो हाई टॉक्सिक वेस्ट डंप किया जा रहा है कंट्री में उसको देखने की जरूरत है तो एक यहाँ पर हाई टॉक्सिक वेस्ट की प्रॉब्लम है अब यहाँ पर ई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो पहले तो इनकी ऐप है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है संतोष तो यहाँ पर संतोष ऐप क्या करेगी फॉर ई एस आई सी बेनिफिशरीज फॉर इंप्रूविंग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ई की ऐप होगी संतोष द ई एस आई सी अनाउंस एंड एनअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो यहाँ पर चालीस से ऊपर के जो भी लोग हैं जो कि यहाँ पर इंश्योर्ड है उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होगा इसके अलावा यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा एस आई सी हॉस्पिटल गुड़गांव में ई एस आई सी ऑल्सो अप्रूवड रिलेक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन ऑफ पेमेंट तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी कंडीशन भी थोड़ी यहाँ पर रिलेक्सेन दे दिया गया सत्तर दिन से पैंतीस दिन का कर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर तीन कमेटी अनाउंस की गई है अब ये कमेटी कौन हेड करा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब कमिटी क्या क्या करेगी तो पहली बात तो ये देखेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ई एस आई का वो कैसा है इसके अलावा यहाँ पर कपैसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश की जाएगी आर्टिफिशल इंटेलिजेंसेंसेंसेंसेंस टेली मेडिसन ऑनलाइन इंटेलिजेंस तो ऐसे कुछ इंप्रूवमेंट्स किया जाएंगे आई होप आपको आज का न्यूजपेपर समझ आया फ लाइक दीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंडक्राइब थैंक यू एंड डे